लालबाग क्षेत्र में रामगंगा किनारे कचरे का धंधा जोरों शोरों से चल रहा है। कचरे को पीसने के लिए इलेक्ट्रिक चक्कियां चलाई जाती हैं, जिसमें कचरा पीसा जाता है और धातुओं को निकालकर अलग कर दिया जाता है। कचरे का काम करने वाले लोग गंगा किनारे जमीन पर अवैध अतिक्रमण कर डूब क्षेत्र में इस तरह के निर्माण कार्य करके चक्की संचालित कर रहे हैं। चक्की लगने के उपरांत वे आवेदन करते हैं विद्युत लाइन डलवाने के लिए। बिजली का कनेक्शन के लिए आवेदन करने पर उनसे विभाग भी मोटा पैसा वसूलता है, क्योंकि डूब क्षेत्र में बिजली के कनेक्शन नहीं दिए जा सकते हैं, ना ही इनके पास कोई रजिस्ट्री होती है। इस विषय में हमने विद्युत वितरण खंड द्वितीय के अधिशासी अभियंता एस के सिंह से बात की तो उन्होंने बताया कि सर आपका शुभ नाम क्या है? सर लोगों में एक जागरूकता अभी नहीं आ पाई है कि बिजली कनेक्शन का आवेदन तो कर देते हैं, परंतु उसके जो आवश्यक प्रपत्र होते हैं वो प्रस्तुत नहीं कर पाते और कई बार उनके कनेक्शन नहीं हो पाते और इसका जिम्मेवार वो विभाग को ठहराते हैं। इसकी इसके विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? कनेक्शन सभी ऑनलाइन हमारे हो रहे हैं और सारी सूचनाएं उस पर ऑनलाइन पोर्टल पे है कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स कहीं विवाद की स्थिति है तो वहीं थोड़ा दिक्कत आती है लोगों को, बाकी तो जनरली सबके कनेक्शन हो जाते हैं। सर कनेक्शन धारक को क्या अपनी रजिस्ट्री प्रस्तुत करनी पड़ती है जहाँ वो कनेक्शन लेता है मकान की? हाँ, मालिकाना हक तो देंगे। यदि किराएदार है तो क्या स्थिति बनती है? किरायानामा लगेगा। कुछ स्थानों पर ऐसा है, कुछ स्थान ऐसे भी हैं जहां विभाग द्वारा कनेक्शन नहीं दिए जाते हैं, जैसे कि रामगंगा क्षेत्र या रामगंगा से सटे हुए इलाके, जो वहां हमारी बिजली व्यवस्था है तो वहां बिल्कुल दिए जाएंगे। कुछ क्षेत्र ऐसे भी हैं जो डूब क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं और जहां बालू पड़ा रहता है, बालू के किनारे के क्षेत्र होते हैं जहाँ अनाधिकृत तौर पर निर्माण कर लिए जाते हैं, उन क्षेत्रों में विद्युत कनेक्शन देना मना है, डूब क्षेत्र में प्रतिबंधित है। यदि किसी कारणवश वहाँ लग जाता है तो क्या कार्रवाई विभाग द्वारा की जाती है? कनेक्शन तुरंत काट दिया जाता है? कितने दिन के भीतर कनेक्शन काट दिया जाता है यदि ऐसी स्थिति में भ्रमित होकर लगाया भी जाता है? यदि ऐसे क्षेत्र में कनेक्शन लग जाता है जो रामगंगा नदी का किनारा है और वहाँ बालू पड़ा हुआ है, जो बालू का क्षेत्र होता है डूब क्षेत्र के अंतर्गत आता है, और आपको सूचना प्राप्त होती है, तो कितने दिन के कनेक्शन, कितने दिन के अंदर आप उसके बाद ही उसमें कार्रवाई शुरू है? कनेक्शन कट जाता है वो या सुचारू रहता है? जांच के बाद ही उसको बताया जा सकेगा क्या किया। यदि कोई इकाई प्रदूषण उत्पन्न करती है और वह कनेक्शन के लिए आवेदन कर देती है तो क्या कनेक्शन वहां लगाया जा सकता है? प्रदूषण विभाग देखता है। ठीक, थैंक यू सर।